कहाँ से रास्ता, यहाँ से कहाँ से? हम लोग बस 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, फिर थोड़ा सा पैदल यात्रा। सो व्यूअर्स, पहुंच चुके हैं हम लोग भानुगढ़ वाटरफॉल, और यहाँ से सिर्फ 1200 मीटर की पैदल यात्रा है। यहाँ पर टिकट भी कटता है, डॉग्स आर नॉट अलाउ, और 50 रुपये की फीस है शायद यहाँ से एंट्री। हाँ, इतना तो बनता है, थोड़ी साफ सफाई अंदर रखने के लिए। कनवाल जी आए हो पहले इधर? अब बहुत बार गेस्ट लेके आते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रुप लेके आते रहते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं। क्या एक्टिविटी यहाँ? अंदर जिपलाइन वगैरह है। अच्छा है सब। फिलहाल तो ट्रैकिंग से पहले पानी पी लेते हैं हम लोग। मजा आ गया। तो फिर यहाँ पर टिकट काट लेते हैं। कितने हैं? 50 रुपये। सो ओनली 50 रुपये हैं। तो गाइस 1200 मीटर की पैदल यात्रा, नो एंट्री विदाउट परमिशन। चलो देखते हैं, नाम तो सुना है इसका। सो यहाँ पे जिप लाइन का भी है। कहाँ से? अच्छा यहाँ से, वो वहाँ पे ना, ये इन्होंने ना अभी बांध के दिए होंगे। कितना है चार्ज इसका? इसका यार मान ले तो हो जाता है। नहीं फिर भी वैसे 400-500। सात ताल में भी कर रहे थे ना, वो 700 रुपये ले रहे थे, कुछ ले रहे थे 700-800 रुपये। तो 300 मीटर की जिप लाइन है यहाँ पे। बाकी रास्ता तो नॉर्मल ही है, ज़्यादा हाई टाइट नहीं है, नॉर्मल ट्रैकिंग। ये सब नया बनाया, पता है इन्होंने गवर्नमेंट से जमाया ना, पहले तो बीच में बहुत बेकार था, ऐसे कुछ नहीं रहा। पहले जंगल वाला रास्ता होगा नॉर्मली, अभी देखिए रेलिंग बना दी ना, नदी को खड़बड़ खड़बड़ में 3 बार पार करना पड़ता था, तो पूरे रास्ते पर पानी का नहीं क्या वो वहाँ नहीं जाना उसके अंदर का रेखा भी निकाल लिया मैंने। बोलना घंटी बजाने के लिए इसको। और राइडिंग भी शुरू हो गई है, मारता है। क्या बोलते हैं ये देखो, डीजे पेंटिंग वेंटिंग इसको अच्छी कर रहे हैं ना, पत्थर में कुछ नहीं करता सर। हॉर्स राइडिंग क्या है, चार्ज क्या है सर? यहाँ से वाटरफॉल तक छोड़ेगा और वाटरफॉल से रोड तक का छोड़ेगा 1000 रुपये। 1000 रुपये कर लो। 1800-2200 रुपये तो केदारनाथ में लेता है, 2-18 किलोमीटर जाने का। अच्छा बना रखा है ना पेंटिंग। रास्ते में यहाँ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट टाइप में बहुत कुछ है, मिडवे रेस्टोरेंट ये वो, भुट्टा वुट्टा खाने के लिए यहाँ पर। क्या अंदर जगह में खोल रखने? हाँ बहुत महंगा, इतना ना होटल में प्राइस नहीं देते, महंगा उससे ज़्यादा महंगा। यहाँ तो हम दबा के ले रहे होंगे, और वही देख घुड़ा हुआ कितना बोल रहा है, 1000 रुपया बोल रहा है। 1000 रुपये सारे रिवर साइड रेस्टोरेंट बना रखे हैं, चाय पकौड़ा खाने के नदी के किनारे। वो देखो सफाई तो है ही अभी इधर वैसे। कौन सा? अच्छा वो कोल्ड ड्रिंक डाली है पानी के अंदर। महादेव, महादेव मुक्तेश्वर, हर हर महादेव। सो यहाँ पर लगा हुआ है ये आलू की सब्जी लगा रखी है, पूरे आलू आलू देख रहे हैं इसमें। और यहाँ पे ये कैंप साइट है, 8-10 कैंप लगे हुए हैं। वाटरफॉल के नज़दीक हम लोग पहुँच चुके हैं, भालूगढ़ वाटरफॉल। एक छोटा सा ब्रिज और क्रॉस करो और फिर सीधा वाटरफॉल में। इतना ज़्यादा पानी नहीं है बट हाइट से आ रहा है। आज तो ज़्यादा लोग नहीं है, नहीं तो बहुत भीड़ रहती है बोला। यहाँ अरे कनवाल जी टिकट दे दो यार, यहाँ पर टिकट जमा करना पड़ता है। और फिर पहुँच गए हम। अच्छा अच्छा है यार, वैसे नॉट बैड है। ऊपर भी एक तालाब होगी लग रहा है मेरे को, वहाँ पे वहाँ से भी नीचे को।
आ रहा पानी। तो लाल जी हाउ यू आर फीलिंग? अमेजिंग यार, वाटरफॉल है। तो इनके पास एक पग भी आ रखा है, इतना छोटा क्यूट लग रहा है ना, मुंह खोल के वो भी थक गया है यार। जबरदस्त हो रहा है यहाँ पे, लोग नहा भी रहे हैं। क्या मच्छी पकड़ पकड़। अब यहाँ पे काफी लोग आ रहे हैं, मतलब लोग बढ़ते जा रहे हैं। और रविंदर और कनवाल तो चले गए ऑलरेडी नहाने के लिए, मेरा तो मन नहीं कर रहा। इतना ही है, रस्सी से इस तरह पे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, उधर फिर लाइफ जैकेट लेके जाना पड़ रहा है। मेरा मन नहीं हो रहा था नहाने का, बट ये लोग फोर्स कर रहे हैं तो अब लाइफ जैकेट लेके वहीं पे जाएंगे हम। यहाँ पे तो फिर क्या रुकना है, अगर जाना है तो पूरा ही जाओ, यहाँ तक रस्सी से इधर ही नहाना पड़ेगा। तो 100-100 रुपये में लाइफ जैकेट है, लाइफ जैकेट लेंगे और वहाँ तक जाएंगे। फाइनली लाइफ जैकेट ले लिए स्विमिंग करने के लिए। 15 दिन में करना पड़ता है। एक्चुअली उधर थोड़ा डीप है ना, वाटरफॉल के नीचे बिल्कुल, वहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हैं लोग। जो रोप लगा है बीच में दिख रहा होगा आपको, उससे उधर लाइफ जैकेट मैंडेटरी है, तो हमने फाइनली लाइफ जैकेट ले लिया है। जा रहे हैं लाइफ जैकेट ये। So finally they are moving forward to deeper side of waterfall. They are planning for swimming now, they started. Wow. Waterfall ke bilkul niche तो फिर दोस्तों, पहले तो नहाने का मन कर नहीं रहा था, उसके बाद क्योंकि रस्सी पार करनी है तो लाइफ जैकेट लेना ही पड़ा था, तो लाइफ जैकेट लेके पूरा वाटरफॉल तक गए, तभी मज़ा आया। यहाँ नहाने में तो कुछ नहीं होता, वहाँ से जो वाटरफॉल नीचे गिर रहा है ना, जब वो बॉडी में गिर रहा था तब मज़ा आ जा रहा है। सो गाइस, इस जगह का नाम भालूगढ़ इसलिए पड़ा है क्योंकि पहले यहाँ काफ़ी भालू वालू हुआ करते थे। तो भालू मीन्स बियर और गढ़ मीन्स लैंड, तो इसलिए लैंड ऑफ बियर्स। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वाटरफॉल तो ज़बरदस्त था और पानी में बहुत बड़ी बड़ी मच्छियाँ थी, मतलब नीचे पैरों में काट रही थी वो हल्की हल्की, मज़ा आ रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में तो डर लग रहा था, बाद में ठीक लग रहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट जो जर्नी है, यहाँ से हम जा रहे हैं सेक्रेट गार्डन कैंप, वो है
मेन मुख्य शहर में, तो वहाँ जा रहे हैं आज। नाइट स्टे वहीं रहेगा कैंप साइट में, फिर कल शायद हम लोग मुक्तेश्वर में नहीं रुकेंगे तो सोमेश्वर मुक्सा रिवर साइड की तरफ जाएंगे। सो बाबा मुझे वाइल्ड मशरूम मिल रहा है, दिख रहा है येलो, पता नहीं खाते हैं नहीं खाते, इसकी नॉलेज तो नहीं है मुझे, लेकिन सही दिख रहा है।